So we have done सबसे पहला सॉल्ट कौन सा था कंपाउंड दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. ओके नेक्स्ट उसके बाद हमने डिस्कस किया है बेकिंग सोडा दैट इज NaHCO. थर्ड वन इज वॉशिंग सोडा दैट इज Na2CO3.10 वाटर एंड दीज वाटर आर द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है जी. Now the next salt is write down bleaching powder. The next salt is bleaching powder. What is the formula of bleaching powder? CaOCl2. और इसको हम क्या कहते हैं? ठीक है केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और इसको कह देते हैं क्लोराइड ऑफ लाइम और इसको क्या कह देते हैं क्लोराइड ऑफ लाइम. ओके राइट डाउन इट्स प्रिपरेशन. सो हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर इट. वी आर यूजिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड for its preparation. We will be using calcium hydroxide. उस calcium hydroxide में हम क्या करेंगे chlorine add करेंगे that is going to give you CaO Cl2 and H2. Okay, अगर हम इसकी physical appearance की बात करें तो कैसा होगा ये येलोइश व्हाइट. क्लोरीन की प्रेजेंस के कारण इसका थोड़ा सा जो टिंच है वो येलोइश में जाएगा. ओके सो दिस इज येलोइश व्हाइट इन कलर. व्हाट अबाउट इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर. विल इट बी सॉल्युबल इन वाटर. यस सो इट इज सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर. और जब आप इसको कोल्ड वाटर में डालोगे तो अपीयरेंस कैसी हो जाएगी इसकी. कैसा होगा ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा मिल्की राइट. सो इट इज सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर एंड गिव्स मिल्की अपीयरेंस. ओके क्लोरीन की बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है. ठीक है इसमें सो देयर इज स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन. यू कैन राइट डाउन द थर्ड पॉइंट इन द कैरेक्टरिस्टिक्स. इट विल गिव स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन. नेक्स्ट इज इट्स रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड. So this is very very important reaction because when it is going to react with calcium, sorry, when it is going to react with carbon dioxide, तो ये क्या liberate करेगा? What it is going to give when it is going to react with carbon dioxide? ये reaction देखो यहाँ पर. Calcium oxychloride. On reaction with carbon dioxide, क्या प्रोडक्ट्स बनते नजर आएंगे आपको? CA3 and और क्या रह गया? क्लोरीन. तो this free chlorine will be liberated. So that means whenever bleaching powder is treated with carbon dioxide, तो ये आपको क्या देता है? Chlorine release करता है. तो ये chlorine आप कहाँ पर use कर सकते हो? Bleaching
purposes के लिए, in the industries, paper में use कर सकते हो, clothes में use करते हो, laundries के लिए, ठीक है, bleaching of the paper, bleaching of the clothes. So this liberation of the free chlorine, it will lead to its use in a multiple ways. तो ये जो free chlorine आपके पास release हुई है, ये जो है इसके multiple uses को करती है, ठीक है. तो इसलिए आप different different जगह जो है इसका bleaching action जो है वो discuss करते हैं. Okay, this is due to this free chlorine. Now next, write down the reaction with HCl. Its reaction with HCl, again that is going to give you, complete the reaction. CA. CaO और so that is going to give you calcium chloride. इसके साथ साथ आपको water मिलेगा और इसके साथ साथ आपको carbon dioxide, ठीक है. So these are the products. No, here will be the free liberation of chlorine. यहाँ पर भी chlorine is there. ठीक है, बैलेंसिंग करो सर इसकी. ओके, सिमिलरली राइट द रिएक्शन विद H2SO4. सिमिलरली राइट द रिएक्शन विद H2SO4. एक जो H2SO4 के साथ रिएक्शन बताओ बेटा. कॉपर सल्फेट. सो दैट इज गोइंग टू गिव यू कैल्शियम सल्फेट प्लस डू इट्स बैलेंसिंग. बैलेंसिंग करो और आंसर बताओ मुझे. बैलेंस है. चलो नेक्स्ट, राइट डाउन. ये जो मैंने आपको फ्री क्लोरीन बताई है, राइट, दिस इज आल्सो कॉल्ड फ्री क्लोरीन और अवेलेबल क्लोरीन. तो जब भी हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को आइदर वी ट्रीटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड और विद सम एसिड, सो दैट इज गोइंग टू रिलीज क्लोरीन. So this chlorine is actually the free chlorine or the available chlorine, ठीक है, जो हमारे पास आती है, which we can use for further processes, right? और ये free chlorine जो है या available chlorine जो है, अगर आपका bleaching powder जो है वो standard है plus pure है, अगर आपका bleaching powder standard और pure है, तो 35 से 39% जो chlorine है, that is available. Okay, so in a standard and pure bleaching powder, 35 to 39% of the chlorine is available in the free form. इसको आप use कर सकते हो आगे. Now list me some of the examples, some uses of this bleaching powder. Textile industries में use होता है, ठीक है, in order to bleach cotton, linen, ठीक है, linen जो होते हैं, इन सब की आप क्या कर सकते हो, bleaching कर सकते हो. और कहाँ यूज करते हैं, एज अ डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, जो आप क्लोरीन है उसको एज अ डिसइंफेक्टिंग एजेंट भी तो यूज करते हो. तो क्लोरीन के दो यूजेस हमेशा याद रखने हैं, एक ब्लीचिंग वाला और एक एज डिसइंफेक्टेंट. ओके, फर्दर यू कैन आल्सो यूज दिस इन ऑर्डर टू प्रिपेयर मेनी ऑफ द अदर केमिकल्स आल्सो, जैसे HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने प्रिपेयर करना है. ओके,
as a oxidizing agents which co-op use karte ho. So you can write down number of uses. Oxidizing agent in industries, oxidizing agent in industries and laboratories, manufacturing of hydrochloric acid, chloroform, manufacturing of hydrochloric acid or chloroform, disinfectant of drinking water. It is used as disinfectant of drinking water. So as bleaching agent in many of the industries due to liberation of free chlorine. तो जो free chlorine है या available chlorine है उसके कारण हम इसको बहुत सारे industries में as bleaching agent की तरह काम करवाते हैं. केशव सुना है आपने कुछ बेटा? बाहर क्या है? चलिए राइट डाउन द नेक्स्ट नाउ द लास्ट सॉल्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस प्लास्टर ऑफ पेरिस. द लास्ट सॉल्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस प्लास्टर ऑफ पेरिस. जिसको आप क्या कहते हो और पीओपी. ठीक है सो दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस हैविंग फॉर्मूला CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ वाटर. क्योंकि हाफ वाटर जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंटेन. ठीक है तो डिफिकल्ट होता है मिक्स करना. हमें क्या पता वाटर हाफ कब है. तो वी कैन ऑल्सो राइट द फॉर्मूला लाइक दिस CaSO4 क्या हो जाएगा ट्वाइस और एक वाटर. यानी कि मैं इसको डबल लूंगी और उसके साथ एक वाटर मॉलिक्यूल अटैच कर. ठीक है हाँ जी बेटा आपको सब याद होगा आप टेंथ में हो यू हैव टू लर्न. ठीक है ना. इससे पहले और भी बड़ा फॉर्मूला किया था Na2CO3.10 वाटर. ये भी तो लर्न हुआ कि नहीं. ये नहीं लर्न हुआ करना पड़ेगा बेटा लर्न. तो फिर राइट डाउन द प्रिपरेशन हाउ इट इज प्रिपेयर्ड यूजिंग द जिप्सम का फॉर्मूला. So gypsum is CaSO4.2 water. ठीक है तो इसमें जब आप 2 water of crystallization लगा देते हो then it forms gypsum. तो इसको जब मैंने heat करना है below 373 Kelvin so that is going to form. हमें 2 में से कितना चाहिए हाफ. ओके सो वी विल बी राइटिंग हाफ H2O और बाकी कितना बचा 1.5. ओके सो इन दिस वे यू कैन राइट द रिएक्शन. और अगर मैंने ऐसे रिप्रेजेंट करना है तो कितना यानी कि 2 times CaSO4.2 water डालेंगे. अगेन वी विल बी हीटिंग इट एट 373 Kelvin. ठीक है तो पीओपी बन जाना है यहाँ पे. बाकी कितना वाटर आएगा बाकी कितने आएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स. टू टू जा 4 यहाँ पे हो गया ना. 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ये हो गए. हाफ आपने यहाँ पे लगा दिया है
ठीक है। नहीं वे इसको हमने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था ना विद वन वाटर मॉलिक्यूल, तो ये वन वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर है, बाकी जो छह हैं वो यहाँ पर है, ठीक है। चार नहीं है, तीन ये हो गए और एक ये हो गया, क्या हो गया 3 + 1 = 4। चलिए आगे लिखिए बेटा, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज, कैसा होता है, इट इज वाइट इन कलर, राइट। और आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी डेलिक्विसेंस, वेदर इट इज डेलिक्विसेंट इन नेचर और नॉट, इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, ठीक है, तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है एंड इट लीड्स टू द एवोल्यूशन ऑफ हीट। उसके बाद राइट डाउन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, what happens when it is mixed with water, it will lead to the formation of gypsum, write down the reaction, isko water ke sath mix karo beta pop ko, mix pop with water, ye pop hai isko maine water ke sath mix kar diya hai, gypsum ka kya formula hai CaSO4 2H2O, रिएक्शन बैलेंस करो, हाँ नहीं बैलेंस है, जिप्सम दोबारा से बन जाएगा, रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड, H2O हाफ कर दूं, अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं फिर देखो बैलेंस है, अच्छा इसको ये वाली फॉर्म में हाफ की फॉर्म में बजाय हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है सिंपल वाली फॉर्म लिख, अब बैलेंस है, ठीक है। Now one of the most important thing कि अगर आप POP को 373 Kelvin के ऊपर heat करोगे, ठीक है, so POP you know it is having many of the properties, right? Medicinal uses भी हैं जो आपके fractures वगैरह लगते हैं उनमें भी इसको use किया जाता है, okay? So if you are heating it above 373 Kelvin, तो ये जो half water आपने लगाया हुआ था यहाँ पे it will get eliminated. ठीक है, तो इट विल लीड ओनली टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट, तो आपके पास सिर्फ कैल्शियम सल्फेट बचेगा, दैट इज एक्चुअली अ हार्ड मास, तो एक बहुत ही हार्ड कलर की आपके पास सब्सटेंस आ जाएगी, दैट इज नॉट गोइंग टू शो एनी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ पीओपी, एक सॉलिड बन जाएगा सख्त सा हार्ड सा, ओके That will not be able to mold. फिर आप उसको mold नहीं कर सकते हो and you don't get any property of POP. Okay? Now tell me the applications. POP की applications एक तो मैंने वैसे ही आपको बता दी है. Fractures और bones जहां पर आपकी fractured हुई होती है, ठीक है, तो वहां पर हम लगाते हैं. Okay. Used to make molds for the toys also, ठीक है, आप मोल्ड देखते हो ना, तो डैट आर ऑल्सो मेड फ्रॉम द पीओपी, ओके। मेडिसिनल एप्लीकेशंस हो गई हैं, स्मूथ सर्फेसेस बनाने के लिए, इंटीरियर डिजाइनिंग करने के लिए हम पीओपी को यूज करते हैं, ओके। बिलो 373 केल्विन बेटा वाटर मॉलिक्यूल इट विल एग्जिस्ट, कविश 373 से ऊपर हीट करोगे तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, उससे पहले it will showing its all the properties of POP, half water जो है वो रहेगा, okay? और इसको आप gaps जो है उनको seal करने के लिए भी use करते हो,
एनहाइड्रस हो जाएगा ना, वाटर निकल गया, जैसे एक हमने वॉशिंग सोडा का किया था, ठीक है, कि सोडियम कार्बोनेट रह जाता है जब आप उसको हीट करते हो अकेला। ओके, क्लियर है? कहाँ पे? इसमें हाफ नहीं लिया था, वाटर टू है यहाँ पे, तो वो तो बैलेंसिंग में जितना आएगा उतना ही लिखेंगे, तो हाफ तो वैसे भी नहीं होता था जहाँ ये वाला, तो एक्सपेरिमेंटली तो हमने ऐसे शो करना है कि उसका फॉर्मूला ही यही है, ठीक है? तो मैंने बोला तो है, अगर नहीं हो सकता तो विल बी यूजिंग दिस फॉर्म, मैं उसको डबल ले सकती हूँ और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक वाटर ले लो, ठीक है? चलिए राइट डाउन वन क्वेश्चन नाउ बेटा। अ मेटल कार्बोनेट एक्स ऑन रिएक्टिंग विद एसिड, एक मेटल का कार्बोनेट है एक्स दैट रिएक्ट्स विद एन एसिड टू गिव अ गैस, रिएक्ट विद एन एसिड टू गिव अ गैस विच वेन पास्ड थ्रू अ सॉल्यूशन, बेटा शॉर्ट में लिख लो ना उसको, मेटल कार्बोनेट एक्स है उसकी रिएक्शन हो रही है एसिड के साथ, दैट इज गोइंग टू गिव अ गैस जिसको आपने पास करना है थ्रू अ सॉल्यूशन वाई, दैट गैस इज पास्ड थ्रू अ सॉल्यूशन वाई विच गिव्स कार्बोनेट बैक, कार्बोनेट बैक। तो जब आप उस गैस को वाई में से पास करवा रहे हो आपके पास फिर से कार्बोनेट बन रहा है, ठीक है, वही सेम जिससे आप स्टार्ट हुए थे। ऑन द अदर हैंड अ गैस जी इज ऑब्टेन्ड एट एनोड, ऑन द अदर हैंड अ गैस जी इज ऑब्टेन्ड एट एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, कौन सी गैस आती थी एनोड पे? एट एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन इज पास्ड ऑन ड्राई वाई, इज पास्ड ऑन ड्राई वाई, ड्राई वाई, इट गिव्स अ कंपाउंड जेड, इट गिव्स अ कंपाउंड जेड that is used for disinfecting, that is used for disinfecting drinking water, that is used for disinfectant drinking water. Identify x y g z, aur anode pe chlorine banti hai, एनोड पे क्लोरीन लिबरेट होती है बेटा, हाँ जी, हाइड्रोजन कैथोड पे। चलो बताओ सारी चीजें क्या है, एक्स वाई जेड एंड जी। एक्स क्या है सबसे पहले? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, एंड व्हाट इज वाई? चलो गैस बताओ पहले, नहीं जो सबसे पहले गैस निकली थी। ओके, व्हाट इज वाई? वाई क्या है? अगर एक्स कैल्शियम कार्बोनेट है, अब वो कह रहे हैं कि जो गैस निकली है, ठीक है, जिसको आप दोबारा से पास करवा रहे हो वाई से, तो आपके पास कार्बोनेट दोबारा मिल रहा है, तो वाई क्या हो सकता है? कार्बोनेट तो दोबारा बन रहा है ना। What they are saying कि Y में जब आप एक गैस मिक्स कर रहे हो, that was actually evolved in this process, that was carbon dioxide, ठीक है, तो आपके पास दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, जो X है दोबारा से बन रहा है, तो Y क्या है फिर?
कैल्शियम तो है, कैल्शियम का कोई और सब्स्टिट्यूट होगा साथ में, सॉल्ट, कैल्शियम ऑक्साइड होगा या हाइड्रोक्साइड होगा. सो वाई इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज गोइंग टू गिव यू कैल्शियम कार्बोनेट एंड यहां पर साइड में तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, फिर वाटर नहीं निकलेगा. उसके बाद नेक्स्ट, जब आपने ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस की है, व्हेन यू डिड द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, हाँ जी, ब्राइन सॉल्यूशन, व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन, पीछे देख रहा है, स्टार्टिंग में क्या करवाया था मैंने, व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl. तो यानी कि जब मैंने NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस की थी तो उसमें से जो एनोड है उस पर कौन सी गैस लिबरेट हुई थी, क्लोरीन गैस. ठीक है, तो आपने ये क्लोरीन गैस इसमें से पास करवानी है और क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से क्लोरीन गैस पास करवानी तो क्या बनेगा, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर.